जिनेंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:38 PM मार्केट क्लोज हो गया है और वी कैन से कि आज भी मार्केट ने इतना कड़क पकड़ बना के रखा कि गिरने के टाइम पे एकदम पकड़ के बैठ गया कि नहीं गिरना है भैया। बढ़ने के टाइम ठीक बढ़ गया 780 हमने सोचा था, तो चलिए पहले तो आज का हाई लो देख लेता हूँ मैं। 780 कल मैंने आप लोगों को साफ शब्दों में बोला कि एक बार 780 के करीब जाएगा कल, और टॉप तो बन गया आज मार्केट में 773 का, तो ये आज का टॉप बन गया है। कल आपको सुबह अगर टॉप बना था तो 809 का टॉप बनेगा, 809 का, लेकिन कल अच्छा दिन है बीयर्स के लिए, डेफिनेट अच्छा दिन है क्योंकि, और वैसे अगर आप एक कैलकुलेशन देखो मेरी तो थर्सडे को अगर टॉप बनता है, थर्सडे को टॉप बनता है, अगर वो टूटता नहीं है तो अगले थर्सडे तक मंदी रहेगी, ये कंफर्मेशन है। यानी कि आज का टॉप है 773, अगर आज ये कल नहीं टूटता है, सिंपल, क्योंकि अभी ऐसा नहीं, ये लोग पूरा फंड के ऊपर खेल रहे हैं, ये ऊपर ले जाते वक्त ठीक ले जा रहे हैं, नीचे लाते वक्त रुक जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को 780 पे भी बोला, अब मेरे आज के कॉल देखो, एक भी कॉल फेल नहीं है, इतना मतलब इतना मार्केट ऊपर है तो भी। देखिए मैंने क्या दिया, सेल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ये दिया, एड मोर एट 900, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा था, तो बैंक निफ्टी आपके सामने 800 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, 800। बजाज फिनसर्व सेल दिया था 9381 पे, मैं अभी दिखाना नहीं चाहता हूँ, ये 9280 तक आया था, पहले सुबह 9240 का बनाया वो अलग बात है। निफ्टी फ्यूचर मैंने लिखा था आपके सामने भी 785 पे एक और ऐड करो, ठीक है, ये मैंने दिया था, तो भी इसमें क्या हुआ, सेकेंड वाली लॉट में आपको 40 रुपया मिला, फर्स्ट वाली लॉट में बराबर में छूटे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मेरा कल तक का टारगेट दिया हुआ है 420, अब वो कल आएगा कि नहीं ये तो बड़ी कैंडल बनने से ही आएगा, और अब तो कोई न्यूज़ ही ला सकती है। ये बहुत ज़बरदस्त चला, 984 पे लूपिन दिया था, 997 का स्टॉप लॉस, 960.58 का टारगेट था, 971 लास्ट ट्रेड हुआ है, अच्छी पैसा दिया। बजाज फाइनेंस भी ठीक ही चला, लेकिन कोई मतलब नहीं है, एक भी रॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन खुशी कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कमाई चाहिए हमको वो नहीं मिल रही। अब आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पे, फिर से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप पिछले कुछ दिनों से जब जब ये बड़ी कैंडल बनी है वॉल्यूम की, आप देखो वो वाली रेड कैंडल ये ऊपर आप सामने देखना, इसके साथ वाली कैंडल हमेशा रेड ही रहेगी, जब जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है 15 मिनट में ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये भी एक बड़ा वॉल्यूम का कैंडल था, मतलब ये लोग मौका ढूंढ ढूंढ के आपको माल दे रहे। अभी लास्ट में आज भी एक रेड कैंडल बनी, आप देख लो लास्ट के 15 मिनट में, ये आप मैं यहाँ पे कैंडल पे रखा हूँ, आपको वहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है। तो जब जब वॉल्यूम अबव द एवरेज हुआ है उस समय कैंडल रेड ही बनी है, यानी कि मंदी बहुत नज़दीक है, लेकिन मंदी ये लोग ऐसे पकड़ के बैठे, जैसे नहीं होता एकदम दबा के बैठे, नहीं बेटा तेरे को इसमें ही लेना पड़ेगा, 750 में ही ले। अब देखो निफ्टी गिरने के लिए बहुत इच्छा कर, क्योंकि देखिए 794 इसने बहुत पहले बना दिया था, 3 बजे के पहले ही बना दिया था ये, उसके बाद ये 749 पे ट्रेड कर रहा है लास्ट आपके सामने, तो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो बोलता है आपको मैं ऊपर ही लेने दूंगा, तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शॉर्ट करते हैं उनको लगता है कल फिर 100 बढ़ेगा, कल फिर तो काट के जाएगा ही, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं वो जो फ्यूचर की पोजीशन है जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया, एक सेकेंड, ये वाली पोजीशन ये थी ना, ये जो फ्यूचर की पोजीशन है 11700 माइनस है, इसको प्लस में देखना चाहते हैं, जब तक क्लाइंट इसमें प्लस में नहीं आएगा तब तक मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं देंगे ये लोग। अभी माइनस 11000 बचे, हो सकता है आज इन्होंने कवर किया होगा फ्यूचर, क्लाइंट ने अगर कर लिया होगा तो कल आपको वो दिन स्टार्ट है, ये लिख लीजिए। अब आज भी मतलब ऐसा लगता कि चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरूं, मतलब इतना मेहनत करके एनालिसिस कर रहा हूं फिर भी मार्केट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग इन माय वे। देखिए गिरावट आती है लेकिन वो यहीं पे फिर रुका लेता है, यहीं पे
आप इसको 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। आप देखो क्या किया इसने, यहाँ से गिरावट लाया अच्छी खासी, फिर बाकी का इधर ही टाइम बिता दिया कि भैया तुमको लेना तो इधर ही लो, मैं और नीचे नहीं जाऊँगा। ये एक डिप मार के एक लो बनाया 724 का, ठीक है, लेकिन उसके बाद बोला यहीं लेना तो लो, नहीं तो नहीं दूंगा। लेकिन इसका मुंह देखो आप, मार्केट स्ट्रेंथ होता ना तो मार्केट का चाल अलग होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, लाइन मैं इससे ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ, ठीक है। आप देखो मार्केट ने एक राउंडिंग टॉप बना रहा है मार्केट, मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आने, राउंडिंग टॉप जब जब बनता है तो फॉल अच्छी आती है ये मान के चलिए। और ये मार्केट वापस आपको कल 600 तो जरूर दिखा देगा, ये कल 600 जरूर दिखा देगा, क्योंकि ये देखिए ये 600 का यहाँ पे ये लेवल 600 पे, तो ये इस तरह से एक राउंड बना रहा है, राउंडिंग टॉप बनना। और देखिए अगर इसमें स्ट्रेंथ होती ना तो ये जो कैंडल्स है ये ऊपर की तरफ जाती और फर्दर ऊपर जाता, लेकिन ये क्या कर रहा है देखिए इसको, इस वाले इसको देखिए, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, मतलब राउंडिंग टॉप। इधर क्या होता देखिए, इस हाई से ये हाई नया बनाता है, ये हाई ऊंचा है, इस हाई से ये ऊंचा है, लेकिन उसके बाद लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है। इसको समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये राउंडिंग टॉप बना रहा है। देखिए आपको मैं अभी ऐसा लगेगा कि यार कुछ गिरता तो नहीं है बस ये बोल रहा है, तो भैया बड़ा भी नहीं, जहाँ मैंने आपको कल ही बोला था 780 तक जाएगा वही टॉप बनना चाहिए, ठीक है, बना है। अभी भी 9 ट्रेडिंग डेज है, हताश मत होइए। चलिए हमारा 12400 नहीं आता, लेकिन अगर 12600 भी आता है मार्केट में, 12700 भी आता है, तो तुम्हारी कितनी बड़ी जीत होती है इधर, ये समझ लेना, क्योंकि ये पूरा फंड के हिसाब से खेल रहा है। आप सोचो कितना फंड पंपिंग किया, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अरे यार सॉरी, चलिए ये ड्राइंग मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो फंड कितना पंप हुआ वो भी आप देखो, मैं यहाँ पे FI, मतलब इस फंड के आगे हम क्या कर सकते हैं, ये लोग तो पूरा बेईमानी से चढ़ा रहे हैं, मतलब कोई फंडामेंटल्स को कुछ नहीं माना जा रहा है, फंडामेंटल बहुत खराब है। लेकिन अब बैंक निफ्टी को बचा के दिखा ले, मैं मान जाऊंगा इनको, चलो तुम जितनी भी बेईमानी कर लो, कल बैंक निफ्टी आपको 600 पॉइंट की गिरावट की मैं दे रहा हूँ आपको, अगर 400 भी गिरता तो मेरी जीत मानना, अगर 400 से कम गिरता कल बैंक निफ्टी तो मेरी हार है, ठीक है। आज की लास्ट ट्रेड आप देख लो कहाँ पे हुई है, 828, ठीक है, लास्ट ट्रेड हुआ। मैं यहाँ से आपको 400 पॉइंट मिनिमम बोल रहा हूँ, और मेरे को लगता है कल 30-200 दिखा देगा, लेकिन मैं 400 पॉइंट अगर गिरा तो मेरी जीत मानूंगा, 400 से कम गिरा 828 से, फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, तो मेरी हार मानूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो भी सिखा देता हूँ अभी। अरे यार इसको इरेज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, क्लियर कहाँ से करते हैं यार इसमें, क्लियर, अच्छा ये, चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये बैंक निफ्टी, क्यों मैं इतना धावे से बोल रहा हूँ कल गिरेगा, आप देखो निफ्टी में उसमें क्या फर्क है वो भी सिखा देता हूँ आज आपको। देखिए आज मार्केट कल की क्लोज से ऊपर लास्ट, ये सीख लीजिए आपको बहुत जीवन में काम आएगा, कल के लिए कौन सा स्टॉक में स्ट्रेंथ है, कल के लिए कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, ये आप इससे बहुत आसानी से सीखते हो, ये मेरी निकाली हुई टेक्निक है, ये दुनिया में मेरे अलावा तो कोई नहीं जानता, तो मैं आज आप लोग को यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ। कल की क्लोजिंग क्या थी, प्रीवियस क्लोजिंग 699, ध्यान से देखिएगा,
आज की एटीपी, एटीपी मतलब एवरेज ट्रेडेड प्राइस, एटीपी का मतलब होता है एवरेज ट्रेडेड प्राइस, तो वेटेड एवरेज रहती है ये, जो आप लोग VAP WVAP करते ना वो यही है, लगभग यही है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम साथ में रहता है। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, कुछ भी दब जाता है मुझसे, कोई बात नहीं। तो देखिए ये वेटेड निफ्टी की कहाँ गई, हाँ निफ्टी, निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस आपके सामने क्या दिख रही है, 699 कल की, आज की ATP कितनी है, 746, और ये लास्ट में क्या बोल रहा है कि 749 के नीचे नहीं दूंगा तुमको माल, ये लास्ट में क्या बोल रहा है 3:30 बजे, ये क्या बोलना चाह रहा है, 749 के नीचे तुमको दूंगा नहीं, मतलब ये कल भी निफ्टी को एक बार तेज करेगा, कल भी एक बार तो तेज करेगा, बाद में मंदा ला दे कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि आज की ATP के ऊपर ये माल रखना चाह रहा अपने पास, और ये प्रीवियस क्लोज से भी ATP आज की ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, ATP अगर प्रीवियस क्लोज से ऊपर है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस ATP से ऊपर है, तो कल ये एक बार तो बुलिश होगा, बाद में गिर जाए अलग बात है, समझ में, सीख लीजिए, अगर ATP प्रीवियस क्लोज प्राइस से ऊपर है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो ATP से ऊपर है या ATP पे है, तो वो कल जरूर एक बार बढ़ेगा, नंबर वन पॉइंट। अब बैंक निफ्टी में क्या है, प्रीवियस क्लोज प्राइस 770 है, ATP 848 है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ATP से नीचे है, यानी कि ये बोल रहा है इसकी जो खुद की एवरेज प्राइस है ऑपरेटर की, हम मान के चलते हैं लेट्स एज्यूम, तो ऑपरेटर का खुद की कॉस्ट आ रही है 848 और वो तुमको देने के लिए तैयार है 828 में, यानी कि ये मंदी करना चाह रहा है लेकिन पूरा खुल के नहीं दे रहा, ताकि जितने लोग डर डर के बाई कर ले, ठीक है, लेकिन निफ्टी वाला बोल रहा है ऑपरेटर कि मैं कल भी एक बार और तेज करूंगा भाई, ठीक है। अब ऐसे ही आपको स्टॉक में भी, कोई भी स्टॉक, जैसे अगर आपको एग्जांपल पे मैं रिलायंस दिखा देता हूँ, रिलायंस, ठीक है, ये रिलायंस है, रिलायंस में भी आप देखो कि प्रीवियस क्लोज प्राइस 984 है, 1984 है, आज की ATP 1996 है, तो ये जबकि ये आज का हाई भी 2012 था, तो ये अपनी ATP के ऊपर माल नहीं रख पाया लास्ट ट्रेडिंग में, यानी कि इट इज़ ऑल्सो ए बियरिश काउंटर फॉर टुमारो, रिलायंस लिख लीजिए आप, तो कल आपको रिलायंस में ये 1983 का टूटना तय है, जो जो बियरिश काउंटर दिखता है आपको उसका लो टूटेगा, ये आप कंफर्म हो जाइए, जैसे बैंक निफ्टी का आज का लो क्या है 652, ये कल टूटना ही है, कंफर्म है, ठीक है, रिलायंस का कल 1983 का लो टूटना ही है। अब ऐसा और कौन सा स्टॉक है, अब जैसे इसका ATP है, तो LND आज स्ट्रांगली खड़ा रहा 75 पे, ATP से ऊपर खड़ा रहा कल के क्लोज से भी ऊपर, तो कल 86 के ऊपर जरूर जाएगा, 1286 के ऊपर कल जरूर जाएगा। तो ये एक टेक्निक मैंने साधारण बहुत दिनों की रिसर्च से बनाई है, मैंने बहुत बार देखा ये काम आती है, डेफिनेटली काम आती है, ठीक है, एक बार जरूर जाएगा। अब इसका मतलब नहीं है कि वो तेज दिन भर रहेगा, तो निफ्टी भी कल एक बार ये जो कौन सा हाई बनाया 794 फ्यूचर में, इसको कल एक बार ब्रेक करना चाहिए, या फिर ये फेल कभी होता है जब गैप डाउन से खुल जाए, याद रखिएगा, इन दैट केस रिलायंस कोई भी स्टॉक अगर स्ट्रांग है ATP के हिसाब से, तो वो एक ही तरीके से रॉन्ग हो सकता है कल, उसका हाई एक ही तरह से नहीं टूटेगा कल, कि गैप डाउन से खुल जाए, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी, हालांकि मैं वेबिनार में और क्लियरली समझाऊंगा जो लोग आएंगे वेबिनार, ये बहुत काम की है जो डे ट्रेडिंग करते हैं या BTST या STBT करते हैं, लेकिन सुबह दबा के ले लेना, आपको जब भी आपको लो टूटा हुआ दिखेगा फिर इस लो को आप स्टॉप लॉस मान लीजिएगा, ताकि आपका प्रॉफिट कन्फर्म हो जाए, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए मैं जो हो सकता, अब देखिए इस महीने में भी FI का जो डाटा, कल तक का डाटा है, इन्होंने 34,000 करोड़ की परचेस कर डाली, बताइए क्या मजाक चल रहा है, मतलब इट इज़ ए जोक, और FI ने DI ने मेहनत करके सेल भी किया तो 24,000 ही कर पाए, यानी कि फिर भी मार्केट को 9,000 करोड़ रुपया तो नेट मिल गया, जबकि DI पूरा हर मोड़ पे सेल कर रही है, लेकिन फिर भी
एफआई मार, ये इस महीने का, पिछले महीने तो साहब लोगों ने 65,000 करोड़ डाल दिए। कितने डाल दिए? 65,000 करोड़। तो अब इनको रोकना तो लगभग एक ट्रेडिंग ही हो गया। यहाँ आपका चार्ट और ये सब कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप चार्ट चेक कर लो, किसी भी टेक्निकल लिस्ट को पूछ लो कि कोई फंडामेंटल और टेक्निकल पे मार्केट चल रहा है क्या। ये आंधी जरूर आएगी मंदी की एक, लेकिन वो कब आएगी, ये लोग को जैसे ही आप, वो मेरे को जो लगता है मैं आपको बता देता हूँ आज, क्योंकि देखिए मैं रॉन्ग साबित हो चुका हूँ। अब मेरा बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है आपको लगेगा, मगर मैं एक चीज, मेरा उद्देश्य है कि ये पब्लिक को कभी भी झूठ बातें नहीं बताओ, ठीक है? तो मुझे आप रॉन्ग समझो, गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी वे इट्स योर विश। ये जब तक ये फिगर प्लस में नहीं आ जाए, मतलब ये इनको मजबूर कर देगा, ये जो क्लाइंट माइनस में चल रहे हैं, कि इंडेक्स फ्यूचर में तुम प्लस करके बैठ जाओ, उस दिन से आप लिख लो मंदी हो जाएगी। उस दिन से आपको ये जो पोजीशन 62,000 की दिख रही है इंडेक्स में इनकी, ये अपने आप 40,000 के आसपास आ जाएगी। आप चेक कर लेना, ये दिन आज आ गया होगा तो पता नहीं, बट जब तक मैं शाम को डाटा नहीं देखूँ मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी चार्ट को देख के कोई मतलब नहीं है, अभी सच बता रहा हूँ मैं आपको। ये कोई कैंडल्स है, इनको आप देखो तो आपको हंसी आएगी। ये कोई कैंडल्स बन रही है पिछले 7 दिनों से, 10 दिनों से। आप देखो मैं एक बॉक्स बना के दे रहा हूँ आपको, इन कैंडल्स को देख के आपको क्या लग रहा है, मार्केट एक लुका छुपी का खेल खेल रहा है। ये सारी कैंडल एक ही पैटर्न की, आप देख सकते हो। पिन बार बोल सकते हैं इनको सबको, पिन बार, पिन, इनमें बॉडी नाम की चीज़ नहीं, एक में हल्की सी बॉडी है। बाकी आप देखो इस बॉक्स के अंदर जितनी भी कैंडल बनी है, 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8 दिनों से इन्होंने रख रहे हैं, ऊपर है, थका रहे हैं, मतलब नीचे भी लाते हैं लेकिन जहाँ ओपन करते हैं उसके आसपास क्लोज कर डालते हैं। तो जो मंदी वाला बेचारा कब खुश होगा, जब ये नीचे क्लोज होगा तब तो खुश होगा ना। तो हमारा ख्वाब रोज दिखाते, ख्वाब सपना रोज दिखाते, जैसे आपको बोलते ना कोई गासा आपके मुंह पे ला दिया और आपने मुंह खोला कि बस मैं निगल लूँ गासे को, और वो खींच के ले जा रहा है आपसे, ऐसा कर रहा है। तो अभी भोलेनाथ ही बचाए हम लोगों को, मेरे जैसे लोगों को जो अभी भी मंदी बोल रहे हैं, ठीक है? तो भगवान भोलेनाथ ही मुझे बचाएगा। अब 9 दिन बचे हैं, मेरा टारगेट मैंने चेंज करके 12,430 मेरा टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है 12,800 तक ही निफ्टी आएगा। अब कोई न्यूज़ ही 12,400 लाएगी, इसको आएगा ज़रूर 12,800, इतना तो आप टेंशन मत लीजिए। 13,700 आपने देखा तो भी 12,800 बहुत बड़ी जीत होती है, 900 पॉइंट अगर 9 दिन में गिर जाता, ठीक है? तो मैं अभी भी हार तो नहीं माना हूँ, लेकिन ये बोल सकते हो कि आदमी क्या बोलता है, उदास हो गया हूँ ऐसे मूव से। आज का पूरा दिन का मूवमेंट आपको समझ में आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। आज के अगर पूरे दिन की आप मूवमेंट देखो तो फिर से एक स्पिनिंग टॉप बना टॉप पे, 773 और 673, 100 पॉइंट में पूरी एक्सपायरी को बाबा जी कर दिया। उसमें भी आप देखो जहां ओपन किया वहीं लगभग क्लोज कर दिया, 714 पे ओपन किया, 734 पे क्लोज कर दिया, मतलब ऊपर नीचे 50 पॉइंट गया और वापस वहीं क्लोज कर दिया, ठीक है? तो उसमें आप क्या उखाड़ लोगे, क्या मंदी ला दोगे? अब ये 10 दिन की, 8 दिन की कैंडल देखो आप, ये देखिए, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग, यहाँ रोज बॉडी बनी। आप इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मूव, इसको बोलते हैं दम वाला मूव। आप देखो यहाँ की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पोर्शन की कैंडल दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको वीक कहाँ दिख रही है, वीक कम दिख रही है। बॉडी, बॉडी मतलब द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये वाइट कलर की पूरी बॉडी दिख रही है आपको, और जो छोटी छोटी डंडियाँ यहाँ पर छोटी है, इसको बोलते हैं ट्रेंड, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मूव। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मैं आपको सारा चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, वरना डिसलाइक का बटन खुला है और मुझे कोई दुख नहीं होगा आप डिसलाइक दोगे तो, क्योंकि मैं डिजर्व कर रहा हूँ डिसलाइक, ठीक है? अब ये यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मूव, और इसकी डिग्री आप मिलाओगे 45 डिग्री की ट्रेंडिंग मूव, और ये 45 डिग्री नहीं है, पहली बात। यानी कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हो रहा है, यहाँ की डिग्री आप देखो और इस डिग्री को मिलाओ, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग। यहाँ बुलिश मूव था, लेकिन ये बुलिश नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड में है। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप खाली एक कैंडल में बॉडी बनी है, और यहाँ पे
सारी की सारी कैंडल में बॉडी बनी है। ये आप सीख लीजिए, ये ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन ये थका रहा है तुमको कि तुम कैसे भी बायर में कन्वर्ट हो जाओ। अब जैसे यहाँ पे देखो, इसको भी ट्रेंडिंग मूव बोलते हैं। ट्रेंडिंग मूव पहचानना और थका हुआ एग्जॉस्टेड मूव कैसे होता है या कंसोलिडेशन मूव कैसे होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे भी ये भी एक ट्रेंडिंग मूव है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप संख्या देखोगे जो बिना बॉडी वाली कैंडल की संख्या बहुत लिमिटेड है, एक है और दो है, बाकी सब ट्रेंडिंग है और इसकी डिग्री भी आप 45 है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये ट्रेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे एक है बॉडी वाली कैंडल, बाकी किसी में भी बॉडी नहीं है, समझ में। तो ये सीखना, ये सब जनरल चीज़ें हैं जो आपको कोई अपनी क्लास में भी नहीं सिखाता होगा, बाकी सिखाता होगा तो उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपको कोशिश करके आज यहाँ YouTube पे ही बता रहा हूँ, कोई लालच नहीं, आप मेरी क्लास में भी मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को फेलियर, और मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा उस दिन, अगर ये 12,430, क्योंकि अगर वो 600 भी आए तो मेरी जीत नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे टेक्निकल का टी नहीं आता, और मैं बोलूँगा उस वीडियो में, चीख चीख के बोलूँगा। और भोलेनाथ से भी नाराज़ हूँ, क्योंकि एक बेईमानी की हद होती है, ठीक है, बेईमानी की कोई हद होती है दोस्त। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों बेईमानी हो रही है। चलिए, मेरी हार से मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन लोग जो यहाँ फंस जाएंगे उससे मैं बहुत दुखी हूँ। बस यहाँ लोगों को इतने वीडियोस आ रहे हैं कि बाइक करो 14,000 साढ़े 14, तो आपको जिसको सुनना सुनिए। अगर आप मुझको आधी रात को जगा के बोलोगे कि इधर बाइक करना, मैं नहीं करूँगा। मुझे आज पता था 780 जाएगा, ठीक है, फिर भी मैंने बाइक करके तो नहीं खेला, क्योंकि जब भी वो इसका जो भूचाल आएगा वो विद इन ए सेकेंड आएगा, और ऐसा आएगा कि आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। ये डे और टू की देरी है, ये भी बता रहा हूँ मैं, इट्स ए मैटर ऑफ डे और टू मैक्सिमम। अब आप देखो यहाँ क्या था, यहाँ मार्केट ने चीटिंग कैसे की वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए, यहाँ से ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड था, मतलब लोग कैसे फंसे हैं आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ से एक ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड था, सारी कैंडल आप देखो बॉडी वाली है, किसी में भी वीक नहीं, ये ट्रेंडिंग डाउन मूव था, लेकिन इसी ने अगले दिन से एक ट्रेंडिंग अप मूव कर दिया। यहाँ का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, अगले दिन से ट्रेंडिंग अप मूव कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग फंसे थे 30 अक्टूबर को, याद होगा, बेईमानी की हद देखिए, 30 अक्टूबर को ये है कैंडल, ऊपर आपको इसका क्लोजिंग प्राइस भी दिखेगा, ऊपर यहाँ दिखेगा क्लोजिंग प्राइस। मैं इस कैंडल के पास लाता हूँ, मैं सिर्फ सिखाने के मकसद से बोल रहा हूँ। ये 30 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर महीने का आखिरी दिन, क्योंकि अगले दिन 2 तारीख हो गई, 31 तारीख को कोई छुट्टी होगी, जो भी होगा। 30 अक्टूबर को मार्केट क्लोज हुआ था 11,642 पे। इसी दिन मैंने 13,200 का टारगेट दिया, तब सबको मुझ पे हंसी भी आ रही थी, सच बता रहा हूँ। और ये 10,790 भी आपको याद होगा, मैंने इस दिन भी एक वीडियो बना के बोला था, 24 सितंबर की डेट है, मुझे अच्छे से याद है, सितंबर की एक्सपायरी थी। इस दिन मैंने बोला था अक्टूबर महीने में 12,000 देखोगे, तो आप खुद देख लीजिए 12,000 आया कि नहीं अक्टूबर महीने में। नवंबर का स्टार्ट होने वाला था, 30 तारीख को मैंने वीडियो बना के बोला 13,200, लेकिन मैं उसके बाद मंदी में आ गया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी मूव। अब आप देखो यहाँ पे क्या ट्रेंड था, देखो लोगों को कैसे ट्रैप किया गया। यहाँ ट्रेंड था डाउन ट्रेंड का, हालांकि मैं यहाँ से बुलिश दिखाया, आपको बता भी दिया था। इस मूव को देखते हुए कोई भी ये नहीं सोच सकता कि आने वाले दिनों में 12,000 भी दिखने मिलेगा, जब 11,600 में। लेकिन इसके बाद ये देखिए क्या चला है, और मैं बोलता हूँ यहाँ तक ही ये ट्रेंडिंग था, ये जो ट्रेंडिंग था ना, उसके बाद की ये जो पूरी मूव है मैं आपको बता सकता हूँ। तो मेरा टारगेट यहीं तक का था, मैं आपको वो भी प्रूफ करूँगा, अभी प्रूफ करता हूँ यहाँ तक वाला ट्रेंडिंग था, वो कैसे प्रूफ करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह तक मार्केट ट्रेंडिंग मूव था, इस जगह तक, और ये एक बियरिश एनगल्फिंग बना, लेकिन इसकी भी इज्जत नहीं किया मार्केट ने, फिर छोटी छोटी
कैंडल बना बना के ऊपर ले गया। तो मेरा टारगेट यहीं तक का था कि 13200 आएगा, तो 13200 आ गया था। ठीक है, उसके बाद की पूरी फॉल्स मूव है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पैसे के आगे सब नतमस्तक है दोस्त। जब पैसा बोलता है, व्हेन मनी स्पीक्स एवरीबॉडी बिकम साइलेंट, जब पैसा बोलता है तो फिर कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये पैसा बोल रहा है, लेकिन एक चीज़ और बोले बड़े बुजुर्ग ने कि देर है, भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे एनालिसिस को मैंने अपने आप को इतनी बार कभी भी चैलेंज नहीं किया, जो मैं मूव देख रहा हूँ आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एकदम पारदर्शिता से ट्रांसपेरेंटली आई एम स्पीकिंग टू यू पीपल इन दिस वीडियो कि ये पूरी की पूरी फॉल्स फॉल्स रैली है। यहाँ से ये आफ्टर दिस बियरिश एंगल्फिंग द रैली इज एंटायर रैली ऑफ लास्ट कितना दिन, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12 लास्ट 15 दिन का जो मूव आया ट्रेडिंग डेज का, वो सारा का सारा फॉल्स मूव है आफ्टर दिस बियरिश एंगल्फिंग। यहाँ तक जायज़ था, जो मैंने टारगेट भी आपको फ्लैग बना के दिखाया भी था, लेकिन इसके बाद का पूरा मॉनेटरी पावर से खींच के ले गए। आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को पूछो, ये इतना सॉलिड बियरिश एंगल्फिंग बना, वो क्या बोलेगा, मार्केट तो गई हो लेकिन फॉलो अप कैंडल बनने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा, पैसे का जोर। ठीक है, अब इतना ही बात खत्म करता हूँ भाई, बाकी तो कल ही अब भोलेनाथ बताएगा क्या है। कल बैंक निफ्टी का ही मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, है ना, बैंक निफ्टी ही आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कल आपका ये लो टूटेगा। पहला कंडीशन, ये लो टूटेगा 652 का, आप लिख लीजिए अपने अपने पेन कॉपी में लिख लीजिए, 652 फ्यूचर का लो कल टूटेगा ही टूटेगा, नंबर वन पॉइंट। और मैं टारगेट दे रहा हूँ मिनिमम जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उससे 400 पॉइंट नीचे का टारगेट मिनिमम। लेकिन मुझे कल लगता है हैवॉक टाइप गिरावट आएगी कल बैंक निफ्टी में। निफ्टी डेफिनेटली सुबह ऊपर ले जाएगा, अगर इसको फेल होना निफ्टी को तो कल गैप डाउन ही करना पड़ेगा, वरना ये जो ATP वाला फॉर्मूला है ये बोल रहा है कल भी निफ्टी एक बार तेज होगा। ATP वाला तेज होगा लेकिन टिकेगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है। तेज होने का मतलब होता है कि नियर बाय दिस हाई आना वापस। ठीक है, तो आपको आज काफ़ी चीज़ें मैंने सिखा दिया इस वीडियो के माध्यम से। उसको अगर आप पसंद किए हो तो ज़रूर लाइक देना, बाकी मैं खुद ही जानता हूँ कि आई एम गोइंग रॉन्ग, और जबरदस्ती का दावा करने का क्या मतलब है यार, जब मार्केट आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मार्केट पूरी तरह से बेईमानी पे उतर गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पे विश्वास है, वो भोलेनाथ पे, कि तेरे यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है बस। तो लेट अस कल एक दिन और इंतज़ार कर रखता हूँ, क्या पता वो हैवॉक जो आना है वो कल से आ जाए। सो बट ओनली 9 ट्रेडिंग डेज लेफ्ट, और मेजर पार्ट ऑफ द सीरीज इज बीन गोवर्न्ड बाई, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मेजर पार्ट ऑफ द सीरीज इज बीन रूल्ड बाई बुल्स एंड बियर्स वेर जस्ट वेटिंग कि अब गिरेगा। इवन आई एम ए पार्ट अमॉन्ग द बियर्स, मैं भी अपने आप को उस बियर्स में गिनता हूँ, ऐसे बैठ के हाँ अब आए। रोज क्या करता है, यहाँ से गिरता है 100 पॉइंट, 2 बजे तक 100 पॉइंट गिराता है, ठीक है, और लास्ट के 1 घंटे में 125 पॉइंट प्लस कर देता है साला। बेईमानी की हद है यार, साले चोर बाजार हो तुम लोग, साले FI। अब इसमें कोई नेता लोग भी शामिल हो गए, डेफिनेटली शामिल है, लेकिन अब एक कम्बिनेशन ऐसा आया है जिस पे मुझे इन चोरों से भी ज़्यादा विश्वास है, इन चोरों के पैसों से भी ज़्यादा, क्योंकि शनि जैसे ही गुरु के पीछे हो जाएगा, शनि को जज माना गया है, और शनि की दृष्टि से भोलेनाथ भी डरते थे, तो इनके बाप को भी डरना पड़ेगा। तो स्कैम इज कमिंग इन 1 or 2 days, आप लोग नोट कर लीजिए डायरी पे, 2 से 3 दिन में कोई बड़ा फाइनेंशियल स्कैम सामने वाले आने वाला है, जो मार्केट को मेजरली गिराएगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ,
लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ 10-12 साल से, किसी से सीखता नहीं हूँ, इतना मेरा नॉलेज मुझे बोलता है। बाकी मैं चैलेंज किसी को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे अच्छे हैं, मुझसे काफ़ी जानकार लोग हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो नॉलेज है मैं उससे बता रहा हूँ। 2 या 3 दिन में, क्योंकि डिग्री बहुत क्लोज आ गई है, जस्ट अब गुरु ओवरटेक करेगा, वैसे ही जज जज फाइनेंस के पीछे लग जाएगा। गुरु को हम लोग फाइनेंस बोलते हैं, शनि को जज बोलते हैं या न्याय बोलते हैं। न्याय जब फाइनेंस के पीछे लग जाएगा तो बहुत सारी चीज़ उजागर करेगा, याद रखिएगा। ये मेरी थ्योरी है, इफ़ आई एम रॉन्ग इट्स ओके, लेकिन मुझे इस पे ज़्यादा विश्वास है, और बैंक निफ्टी में मैं बहुत ज़्यादा बेरिश अब हूँ। मुझे यहाँ से 31 तारीख तक 2000 पॉइंट की करेक्शन डेफिनेटली लग रही है, ठीक है, ये कारण है। दूसरा, निफ्टी में भी पीसीआर को तो ये लोग मान ही नहीं रहे, मतलब ये सारे फंडामेंटल टेक्निकल। चलिए मैं पीसीआर भी दिखा देता हूँ, किरण जाधव जी की वेबसाइट पे। आज का वीडियो आप लोग इस तरह से मत देखेंगे कि कल क्या होगा, लेकिन आप देखेंगे बंदे में नॉलेज है कि नहीं, बस इतना चेक कर लीजिएगा। अब देखिए मार्केट ने क्या बेईमानी की, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये पीसीआर क्या खेल खेलता है, आपको ये भी बता रहा हूँ। 1.82 का पीसीआर था 1 बजे, 1.84 का, मार्केट को 50 पॉइंट गिरा है, पीसीआर सीधा 1.77 आ गया। समझ में आया आपको? तो यहाँ से गिरना तो तय था 2 बजे, इस भाव से 2 बजे टॉप पीसीआर था, आपको याद होगा। यहाँ से करेक्शन भी आया, तो इसने ज़्यादातर बैंक निफ्टी वाले स्टॉक को गिरा दिया, निफ्टी वाले को नहीं गिराया, और पीसीआर को वापस कंफर्टेबल लेवल 177। तो कल वापस जब 180 के पास पार करेगा फिर से गिरावट आएगी, तो कल वापस जाएगा ये 184, तो निफ्टी एक बार कल ऊपर ले जाएगा, ये मुझे लगता है। और या फिर एक ही इसके पास तरीका है बड़ी गिरावट का, कि सीधा कल 100 पॉइंट का गैप डाउन खोल दे, लेकिन वो बिना न्यूज़ के होगा नहीं। लेट अस सी टुमारो। जय जिनेंद्र, और थैंक्स टू किरण जाधव जी, आपकी वेबसाइट का मैं यूज़ ले रहा हूँ सर, आप भी टेक्निकल एनालिस्ट हो।